नमस्कार, स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। कोसली गांव से कावड़ लेने के लिए गए 4 कावड़ियों की मौत हो गई थी। आज उनके लिए कोसली में पंचायत हुई, जहां जमा हुई धनराशि के बारे में बताया और अनुदान करने के लिए लोगों से अपील की गई। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। नमस्कार, स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। कोसली गांव में कुछ दिन पहले 2 कावड़ियों की 4 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद 2 सीरियस इंजर्ड थे और बाकी लोग भी घायल थे। उनके लिए इन गांव वालों ने पीछे भी अनुरोध किया था, जो आज हमारे साथ खड़े हैं। आज गांव ने एक पंचायत की और उसके बाद कुछ निर्णय और भी लिए गए हैं और कुछ पैसा इनके पास उससे भी इकट्ठा हुआ है, जो पहले अनुरोध किया था। आज हम इनसे जानेंगे कि पंचायत के अंदर कौन से फैसले हुए और बाकी चीजें भी उनसे जानने की कोशिश होगी कि अब ये क्या अनुरोध लोगों से करेंगे। सर, आप ये बताइए कि आज गांव के अंदर आपने जो पंचायत की है उसमें क्या फैसले लिए? आज हमारे गांव के पंचायत के अंदर जो है कि ये फैसला लिया गया है, हमारे 4 बच्चे एक्सपायर हो गए, 6 बच्चे घायल हो गए, जिनमें से 2 ज्यादा हालत खराब है, और कम से कम 6.5 लाख रुपए वार्षिक इकट्ठे हुए हैं। 2.5 लाख रुपए आज कोसली गांव में पंचायत के अंदर इकट्ठे हुए, लगभग 2.5 लाख रुपए का लगभग, और ये जो भी पैसा है जैसे भी तैसा दे करके उनके लोगों की सहायता में दे दिया जाए। और बाहर से भी लोगों के पास से बहुत ज्यादा हमारे मैसेज आ रहे हैं, मैं हमारे भतीजे हैं रवि चेयरमैन, उनके पास मैसेज आ रहे हैं, भाई जितना भी हो सकेगा हम धन दौलत इकट्ठा कर करके आपके पास पहुंचाने का कष्ट करें। सर, आप बताइए, आप इन लोगों के लिए क्या अनुरोध करना चाहते हैं, क्योंकि जो और बाहर के लोग हैं जो अभी तक उनके लिए कोई अनुदान नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? हम उनके लिए ये कहेंगे, भाई जो ये घायल हुए हैं या जो एक्सपायर हुए हैं कावड़िए, इनके पास से मदद की जाए। जो भी कुछ गरीब परिवार के कई ऐसे हैं और उन सबकी मदद करी जाए, उनको अपनी आर्थिक सहायता दे दीजिए। मठ में कॉपी वगैरह रखवा दी है, जो पैसा देना चाहे तो उनको वहाँ एंट्री करवा दो, दे सकते हैं। 1 हफ्ते का टाइम दिया है, फिर उसके बाद जैसा डिसीजन देंगे ना, फिर पंचायत बनेगी होगी, तो जो डिसीजन दिया जाएगा वो आगे बनाया जाएगा। आइए सर, आप लोग भी पंचायत में मौजूद नहीं हैं, जितना भी इकट्ठा हुआ है वहाँ पर, और भी लोगों से आप अनुरोध कैसे करना चाहेंगे उनके लिए? और हम तो अपील ही कर सकते हैं और वार्ड वाइज हम कोशिश कर रहे हैं, हर वार्ड से पैसे इकट्ठे किए जाएँ और जितने भी मदद हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। सरकार की तरफ से क्या क्या मिलेगा? सरकार की तरफ से तो कोई कुछ नहीं मिला, ये 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए 50,000 रुपए का है, ये कोई अनुदान नहीं मिला। क्या कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी जॉब के लिए गवर्नमेंट ने कहा है? सुनने में आया है पब्लिक हेल्थ के अंदर लोगों को लगा, बाकी किसी के बारे में कोई नहीं। बाकी क्योंकि 4 आपको उनकी डेथ हुई थी, 4 लोगों उनके बाकी के परिवार उनके परिवार से जरूर लेने चाहिए, ताकि उनकी थोड़ी बहुत भरपाई हो जाए। वैसे तो कोई हो नहीं सकता, गए हुए की कोई भरपाई तो होती नहीं, लेकिन उनका थोड़े आंसू पूछने का वो हो जाए, उनका सहारा तो रहे। अब वो टूट चुके हैं, जवान बच्चे जिसके चले जाएं उसमें क्या रह जाता है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि भाई सरकार उनमें से उनके बच्चों को लगाए। कि वो अनुदान दें, बाकी 6.5 लाख रुपये के आसपास उन्होंने बताया कि आ भी चुके हैं, 2.5 लाख के आसपास जो कमेटी है मंदिर की उसने भी अनुदान किया है, तो उन लोगों से भी उनका अनुरोध है और हरियाणा भी अनुरोध करता है आप लोगों से, अगर आप लोग अनुदान दे सकते हैं, किस तारीख तक के लिए उन्होंने टाइम पीरियड रखा है कि वहाँ तक अनुदान करें, क्योंकि उसके बाद एक बार फिर से ये उसका निरीक्षण करेंगे और जो भी पैसा आएगा वो उन परिवारों को दिया जाएगा, उसके बाद भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सके आप लोग अनुदान करें, ताकि उन परिवारों के वो पैसा काम आए। और मठ की जो सिचुएशन है वो इन्होंने बताया कि उसकी तरफ से भी पैसा दिया गया है, बाकी एक बार 21 तारीख को फिर से डिसीजन लिया जाएगा और आगे पैसे की बात हो और भी कोई नया डिसीजन देखने को मिल सकता है। मैं अपने सहयोगी सोमवीर के साथ अमित अमन, स्टेट न्यूज हरियाणा। रेवाड़ी शहर का एकमात्र ISO सर्टिफाइड
प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र जहां होगा आपकी हर छोटी दुर्लभ तथा असाध्य बीमारी का इलाज, वो भी बिना किसी ऑपरेशन, बिना किसी दवा और बिना किसी इंजेक्शन के। हमारे यहाँ एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, लेजर एक्यूपंचर, वमन, जल नेति, सूत्र नेति, मसाज, मठबाथ, स्टीम बाथ, योगा द्वारा माइग्रेन, सर्वाइकल, स्लीप डिस्क, साइटिका, चिकनगुनिया, मोटापे जैसी बीमारियों का स्थायी इलाज किया जाता है। अब आपके शहर रेवाड़ी में हम लेकर आए हैं प्राकृतिक उपचार पत्ती, जो ऐसे लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो लगातार वर्षों से एलोपैथिक दवाइयों खाकर परेशान हैं, लीवर और किडनी की समस्या से परेशान हैं, जैसे बीपी, शुगर, माइग्रेन, डिस्क की समस्या आदि के लिए एलोपैथी में एकमात्र उपचार ऑपरेशन और जीवन भर दवाइयों के ऊपर निर्भर है। लेकिन हमारी पत्ती में बिना किसी दवा और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के प्राकृतिक उपचार पत्तियों द्वारा इलाज किया जाता है। हमारे संस्थान में बीपी और शुगर के जो एलोपैथी में उम्र भर दवाइयां खाने के लिए बोला जाता है, उनका केवल कलर थेरेपी और मैग्नेटिक बेल्ट द्वारा स्थायी इलाज किया जाता है। हमारे सेंटर पे आईवीएफ और बांझपन की समस्या से जूझने वाली महिलाओं के लिए भी स्थायी इलाज है प्राकृतिक उपचार पत्ती द्वारा। आयुर्वेद उपचार से भी बीमारियां ठीक की जाती है। अगर आप चिकित्सा केंद्र तक आने में असमर्थ हैं, तो घर बुलाकर भी उपचार करवा सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र आरडीएस गर्ल्स कॉलेज के सामने, कालका रोड, रेवाड़ी। अगर आप अंग्रेजी दवाई खा खा कर थक चुके हैं तो आज ही संपर्क करें 9813743427।